दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं सैमसंग की एक और नई फोन के बारे में जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी F41 जो कि कैमरा बेस्ट फोन ये होने वाला है और ये फोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी F41 के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम इस फोन की अगर डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो बैक में आपको ग्लास का बैक मिलेगा जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आने वाला है और इसके साथ आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर और इसके साथ आपको ट्रिपल रियर कैमरा इस फोन में आपको दिखने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद इस फोन डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस फोन का डिस्प्ले आपको 6.5 इंचेस का डिस्प्ले होने वाला है और इसके साथ इस फोन में आपको फुल HD प्लस का सपोर्ट और सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस फोन में आपको मिलेगा। और इसके साथ इस फोन की अगर प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में आपको एग्जीनोस का 9611 का प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाएगा जो कि ये प्रोसेसर सैमसंग काफ़ी सारे फ़ोन में यूज करता है। और इसके बाद इस फोन की अगर रैम बेट के बारे में बात करते हैं तो ये फ़ोन आपको 6GB और 4GB रैम बेट के साथ आता है और इसके साथ आपको इंटरनल स्टोरेज में 128GB तक का इंटरनल स्टोरेज आपको इस फोन में दिख जाएगा। और इसके बाद इस फोन की अगर कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों तो इस फोन में आपको रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है जिसका कि मेन लेंस होगा 64 मेगापिक्सल का और इसके साथ आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग लेंस इस फोन में देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी कैमरा एक्सपीरियंस आपको इस फोन में काफ़ी कमाल का होने वाला है। और दोस्तों इसके बाद इस फोन की अगर सेल्फी कैमरा के बारे में बात करते हैं तो सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी इस फोन में देखने को मिल जाएगा जो कि आपको सेल्फी भी काफ़ी ज़बरदस्त होगी जो कि यू नॉच के साथ आएगा ये फ़ोन। इसमें आपको पंच होल वाली डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों इसके बाद इस फोन में आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट और इसके साथ आपको इस फोन की बैटरी के बारे में बात कर देते हैं तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी और 15W का फास्ट चार्जिंग बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में इस फोन की अगर दोस्तों प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं तो ये फोन आपको इस फोन का प्राइस आपको 15 से 16 हज़ार के बीच में होने वाला है और ये फ़ोन आपको 5 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च होगा। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।